राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र के चार दिवसीय दौरे के दौरान आज पुणे में स्थित लोहेगांव वायुसेना स्टेशन का किया दौरा। राष्ट्रपति ने फ्लाई पास्ट देखने के बाद वायु योद्धाओं के साथ की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत की 3 प्रमुख विकास परियोजनाएं राष्ट्र को की समर्पित। प्रधानमंत्री ने उर्वरक संयंत्र, एम्स और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन का किया उद्घाटन। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच बीजेपी संसदीय दल की बैठक आयोजन। पीएम ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को दिए कई सुझाव, कहा सभी सांसद पूरे समय सदन में रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न। इस दौरान दोनों देशों के बीच हुए रिकॉर्ड 28 समझौते। इन समझौतों में दोनों देशों की सरकारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बीच हुए समझौते शामिल। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के मजबूत संकेत। 22 में से 19 आर्थिक सूचकों में कोरोना महामारी से पहले की स्थिति की तुलना में की गई है बढ़ोतरी दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के 27% आरक्षण पर लगाई रोक। न्यायालय ने अनिवार्य 3 जांच का पालन किए बिना ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को भी किया नामंजूर। देश में 1,28,66,00,000 से अधिक लोगों को लगाए जा चुके हैं कोविड रोधी टीके। देश में 85% से अधिक पात्र लोगों को दी जा चुकी है कोविड की पहली डोज। मुंबई में 2 और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों का लगा पता। इसी के साथ राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 10। वहीं देश में अब तक हुए 23 कंफर्म मामले। WHO के मुताबिक 47 से ज्यादा देशों में फैला ओमिक्रॉन वेरिएंट। इंग्लैंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू। वहीं दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना के केस में हुई 5 गुना बढ़ोतरी। अमेरिका ने चीन में पेचिंग में होने वाले 2022 शीतकालीन ओलंपिक्स के कूटनीतिक बहिष्कार की घोषणा की। अमेरिका ने कहा चीन में मानवाधिकारों के चिंताजनक रिकॉर्ड को देखते हुए इन खेलों में कोई आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा जाएगा।